हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोग का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो कि 2022-2023 सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था। जो पेपर है वो है PHY 101, जिसका टाइटल है बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। तो यहाँ पर हम बेसिक्स ऑफ फिजिक्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। यह पेपर जो है कि 2 क्रेडिट्स का है और यह एग्ज़ाम जो है DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट किया था। इसमें जो है कि 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे और इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो थे 1.5 मार्क्स के थे, यानी ये टोटल 60 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ था। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए थे। इसमें पहला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर इज 6 वोल्टेज। द करेंट फ्लो इन द रजिस्टर विल बी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है किसी रजिस्टर के लांग जो है कि 6 वोल्ट का है और वो जो रजिस्टर है वो क्या है, 3 ओम का है। तो इसमें कितनी करेंट फ्लो करेगी तो ये हमें निकालना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, इफ 300 कूलम इलेक्ट्रिक चार्ज पासेस थ्रू द कंडक्टर फॉर 10 मिनट्स देन द करेंट विल बी। यहाँ कहा जा रहा है कि 300 कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज है जो कि किसी कंडक्टर से पास हो रहा है 10 मिनट्स के लिए, तो कितनी करंट इससे फ्लो होगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 0.5 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज फॉलोस। तो यहाँ पर 3 रेजिस्टर्स जो कनेक्टेड हैं तो हमें जो है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना पॉइंट ए एंड बी। तो ये दोनों जो हैं पैरेलल हैं और ये क्या है, इसके सीरीज में है। तो इन दोनों का तीनों रेजिस्टेंस का जो कम्बिनेशन का आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, इंडक्टर हैज द डायमेंशन ऑफ। यहाँ कहा जा रहा है कि इंडक्टर का डायमेंशन किसके डायमेंशन के बराबर होता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यह जो होगा फ्लक्स अपान करेंट। तो फ्लक्स अपान करेंट का डायमेंशन और इंडक्टर का डायमेंशन सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF इन ए सर्किट इज गिवन बाई। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि इंड्यूस EMF का जो डायरेक्शन होता है किसी सर्किट में वो जो किस लॉ के द्वारा दिया जाता है, तो ये है लेंज लॉ के द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम्स लॉ डज नॉट अप्लाई इन। तो ओम्स लॉ काम अप्लाई नहीं होता, ये सेमीकंडक्टर्स में अप्लाई नहीं होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम हैव फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर एक्सरेज है जिसकी वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम का, तो इसकी इक्विवेलेंट जो फ्रिक्वेंसी होगी वो ऑप्शन ए द्वारा दी जाएगी, यानी ये होगा 3 × 10⁻¹⁸ हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, पार्टिकल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। यहाँ कहा जा रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्टिकल्स क्या होता है, इसका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है जो कि होता है प्रोटॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेव्स कंटेन इन पर यूनिट सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द मीडिया या मीडियम इज कॉल्ड। यहाँ कहा जा रहा है कि पर सेंटीमीटर लेंथ में जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो ये ऑप्शन बी सही है, इसको हम वेव नंबर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, बामर सीरीज लाइज इन विच स्पेक्ट्रम। यहाँ पर कहा जा रहा है बामर सीरीज स्पेक्ट्रम के किस रीजन में पाई जाती है, लाइक करती है। तो ये ऑप्शन ए इसका सही है, विजिबल रीजन, बामर सीरीज विजिबल रीजन में लाइक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जूल इज इक्वल हाउ मेनी डाइम्स सेंटीमीटर। यहाँ पर 1 जूल को जो है कि कन्वर्ट करना है डाइम सेंटीमीटर में, तो ये कितने के बराबर आता है, ये आता है 10⁻⁷, यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ डाइम सेंटीमीटर या फिर
लाइन सेंटीमीटर को अर्ग भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन 12। द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा एक्स एंड अल्ट्रा वायलेट रेज आर ए बी सी रेस्पेक्टिवली देन। तो यहाँ पर गामा रे की फ्रीक्वेंसी ए है, एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी जो है कि बी है, और अल्ट्रा वायलेट रे की फ्रीक्वेंसी क्या है, सी है। तो हमें इसमें बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो है कि गामा रे जो कि इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, उसके बाद जो कि एक्स रेज की उससे कम होती है, और उससे जो भी कम होती है अल्ट्रा वायलेट रेज की होती है। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव नोड्स इज, यहाँ कहा जा रहा है कि जो सक्सेसिव नोड्स होते हैं उनके बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो यह होता है लैम्डा बाई टू, यानी ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। द मैक्सिमम होरिजेंटल रेंज इन ए प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी व्हेन एंगल थीटा इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि होरिजेंटल रेंज जो मैक्सिमम कब होगी प्रोजेक्टाइल मोशन में, थीटा की वैल्यू बताना है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो होगा इतना, ये होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। विच ऑफ इज द क्लोजेस्ट प्लेनेट टू सन। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्लोजेस्ट सन क्या, सन के क्लोजेस्ट प्लेनेट क्या है, तो ये है मरकरी, यानी मरकरी जो है कि सन के क्लोज का प्लेनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पावर ऑफ रेडिएशन पी इज रिलेटेड बाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पावर के अंडर रूट के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। इफ ए ग्लास प्रिज्म डिप्ड इन वाटर इस डिस्पर्सिव पावर विल। यहाँ कहा जा रहा है कि इफ ए ग्लास प्रिज्म है उसको वाटर में डीप कर दिया जाए तो उसका डिस्पर्सिव पावर पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका डिस्पर्सिव पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18। ए पर्सन इज अनेबल टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विच हिज विजन विल कैन बी करेक्टेड यूजिंग व्हाट। कहा जा रहा है कि एक पर्सन है वो जो है कि पास की ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाता है, तो उसके विजन को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं, क्या यूज करके करेक्ट सकते हैं, तो ये होगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी हम कन्केव लेंस यूज करके उसके विजन को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 19। फॉर टू पैरेलल मिरर्स नंबर ऑफ इमेज फॉर्म इन बिटवीन इज। दो पैरेलल मिरर्स रखे जाए और उसके बीच में कुछ ऑब्जेक्ट रखा जाए तो उसका कितने इमेज बनेंगे ये बताने हैं, तो ये जो है कि इनफाइनाइट बनता है, यानी आपसे डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। फोर्स एफ एंड मोमेंटम पी इज रिलेटेड बाई। फोर्स और मोमेंटम का जो रिलेशन होता है ये होता है बी इज कल टू एफ इज कल टू डी पी अपॉन डी टी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 21। द डायमेंशनल फार्मूला यानी एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज। तो सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फार्मूला और एसआई यूनिट क्या होगा, तो ये होगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, यानी इसका डायमेंशन जो होगा एम एल के पावर जीरो टी पावर माइनस टू, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 22। व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ मास ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ स्मॉल जी कैपिटल आर एंड कैपिटल जी। यहाँ स्मॉल जी कैपिटल आर और कैपिटल जी के टर्म में अर्थ का मास का एक्सप्रेशन क्या होगा ये हमें बताना है, तो यह जो होगा ऑप्शन डी के द्वारा दिया जाएगा, यानी जो मास होगा अर्थ का वो होगा जी स्मॉल जी आर इस पर अपन कैपिटल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। द स्कीप वेलोसिटी वी ई एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी वी यू इज रिलेटेड बाय। तो स्कीप वेलोसिटी वी और ऑर्बिटल वेलोसिटी वी यू जो है कि ऑप्शन
बी द्वारा रिलेटेड होते हैं, यानी वी इज इक्वल टू अंडर रूट टू बी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ बताना है केपलर्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो ये जो है कि ऑप्शन ए राइट आंसर है, आर क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 25, इफ ए डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस बी डबल्ड देन द फोर्स बिटवीन देम विल बिकम। यहाँ कहा जा रहा है कि दो मासेज है उनके बीच का डिस्टेंस क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए, उनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, उनके बीच का फोर्स हो जाएगा 1.4 टाइम्स हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विथ 40 मीटर पर सेकेंड इट्स वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड विल बी। तो यहाँ पर एक बॉल जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी जा रही है, इसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड है, इसकी वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद कितनी होगी ये बताना है। इसकी जो वेलोसिटी 2 सेकेंड बाद होगी वो 20 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम एंड 40 ग्राम इज सेम, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक का मास 10 ग्राम है, दूसरे का 20 ग्राम है, इनकी काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इनकी मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। इनकी मोमेंटम का रेशियो जो होगा वो होगा 1:2 का रेशियो होगा, यानी पहले ऑब्जेक्ट का रेशियो जो मोमेंटम होगा उसका 2 टाइम्स मोमेंटम जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट 28, द टाइम पीरियड टी एंड फ्रिक्वेंसी एन ऑफ ए वेव इज रिलेटेड बाय, तो टाइम पीरियड टी और फ्रिक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, तो ये होता है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, टी इज इक्वल टू 1/n। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ए पार्टिकल ऑफ मास 4 kg इज एक्टेड अपॉन बाई स्टडी फोर्स ऑफ 4 न्यूटन, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन 4 सेकेंड इज। यहाँ पर जो है कि कहा जा रहा है कि एक पार्टिकल है जिसका मास जो है कि 4 kg का है, इस पर एक स्टडी फोर्स 4 न्यूटन कवर कर रहा है, तो इसका 4 सेकेंड में कितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये बताना है, तो ये होगा 8 मीटर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, इफ एक्स इज इक्वल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर वेयर एक्स इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट या बॉडी इन किलोमीटर्स वाइल टी इज द टाइम इन सेकेंड देन यूनिट ऑफ बी इज। तो यहाँ पर एक्स इजकल टू 80 प्लस बी टी स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू है ये इसकी वैल्यू जो ली जा रही है वो किलोमीटर में ली जा रही है, और टी जो है ये टाइम है या सेकेंड में लिया जा रहा है, तो बी की क्या यूनिट होगी ये हमें बताना है। तो बी की जो यूनिट होगी ये होगी किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 31, मिराज इज ए फिनोमेना ड्यू टू, तो मिराज जो है कि किस फिनोमेना की वजह से होता है, तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, मिराज जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, लाइट ईयर जो है कि वो कौन सी डिस्टेंस है जो लाइट ट्रेवल करती है, तो यह है इन वैक्यूम इन 1 ईयर, तो वैक्यूम में 1 ईयर में लाइट द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की जाती है उसको हम लाइट ईयर कहते हैं, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय कनके मिरर इज वर्चुअल द ऑब्जेक्ट इज, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कनके मिरर है उसका जो है कि किसी ऑब्जेक्ट का इमेज जो है कि वर्चुअल बन रहा है इस मिरर द्वारा, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, तो यह जो है
ऑब्जेक्ट जब फोर्स और पोल के बीच में रखा जाता है बिटवीन एफ एंड सी, तब जो है कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो वर्चुअल होता है, बाकी कंडीशन में क्या होता है रियल बनता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, द साउंड वेव ट्रेवल फास्टर इन, साउंड वेव किस मीडियम में सबसे फास्ट ट्रेवल करेगी? तो ये होगा ऑप्शन सी सॉलिड, सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा ये मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, हाइड्रोजन बम इज बेस्ड ऑन, हाइड्रोजन बम किस पर बेस्ड है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, ये जो है कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, विच कलर एब्जॉर्ब मोर हीट, कौन सा इसमें से कलर जो है सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा? तो ये है ब्लैक कलर, ब्लैक जो है कि हीट को सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, द फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर इन इंडिया इज, तो इंडिया का फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर कौन सा है? तो यह है अप्सरा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज फर्स्ट सेटेलाइट, तो इंडिया का फर्स्ट सेटेलाइट कौन है? तो ये है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट जो है कि सबसे फर्स्ट जो है कि सेटेलाइट इंडिया द्वारा लॉन्च की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, वेयर इज हेड क्वार्टर ऑफ इसरो, इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ है? इसरो का हेड क्वार्टर जो है बेंगलुरु में है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 40, द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क इज 256 हर्ट्ज, इट विल नॉट रेजोनेंट विद ए फोर्क ऑफ फ्रिक्वेंसी, यहाँ पर जा रहा है ट्यूनिंग फोर्क है, उसकी फ्रिक्वेंसी जो है कि 256 हर्ट्ज है, तो यह कहा जा रहा है कि फोर्क जो है कि किस फ्रिक्वेंसी पर रेजोनेंट नहीं करेगी, ये हमें बताना है। तो जिस फ्रिक्वेंसी पर यह रेजोनेंट करेगी वो होगा 256 का इंटीग्रल मल्टीपुल, तो यहाँ पर देखा जाए 256 का इंटीग्रल मल्टीपुल, ए ऑप्शन भी होगा, बी ऑप्शन भी होगा, सी ऑप्शन भी होगा, और डी जो है कि यह ऑप्शन जो है कि 256 का इंटीग्रल मल्टीपुल पर नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, इसी फ्रिक्वेंसी पर यह फोर्क जो है ट्यूनिंग फोर्क रेजोनेट नहीं करेगी। यहाँ पर ऑप्शन सी में ये जो है कि गलत आंसर ऑप्शन दिया था, 738 दिया था, लेकिन ये 768 होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह से हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया, इसके आंसर को हमने देखा। तो आई होप ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा आपकी अगले एग्जाम की तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।